ओवरऑल जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है इंक्लूडिंग फोन वो सब का प्राइस मिला के होता है 28,000 रुपीज ऑलमोस्ट। जो कोरोना का वेरिएंट आया था 6 GB रैम वाला एंड ये आई थिंक 8 GB रैम वाला हो सकता है, आई थिंक तो यहाँ से जा सकता है। एंड अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो उसमें काफी ज्यादा फर्क सुनाई दे रहा होगा। तो जब सुबह सुबह आपकी आँख खुलती है तो आपको स्कूल जाते हैं वो बच्चे दिखाई देते, जो चाहे मुंबई में रहो आप गाँव में रहो, तो 2 साल से सब बंद था। फाइनली अभी जाके जो स्कूल चालू हुई है स्कूल्स कॉलेजेस तो वो देखिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड उन स्कूल जाते हुए बच्चे को देखते हुए एक अलग से मोटिवेशन मिलती है एंड नॉस्टैल्जिया भी होता है कि हम भी एक दिन स्कूल जाते थे ऐसी। तो आई एम गोइंग टू पिक अप माय ओल्डर ब्रदर्स डॉटर, मैं ऑलरेडी जो लेट हो चुका हूँ एंड स्कूल जस्ट मेरे सामने ही है तो इतने की दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हो ये स्कूल, जस्ट बिकॉज यहाँ पर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधा सीधा यहाँ से चले जा सकता था। आई थिंक तो यहाँ से जा सकता है। हेलो, देयर इज अ स्कूल एंड यहाँ पे हाफ जो पार्ट वो गीला है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से जा सकता हूँ मैं यहाँ से। वैसे वहाँ से लोग तो दिख रहे जाते हुए तो मिल जाएगा रास्ता इंशाल्लाह। एंड ये जो जगह मैं चल रहा हूँ वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, जब यहाँ पे समुद्र में हाईलाइट होता है तब ये पूरा जो समुद्र बन जाता है। बेसिकली यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे मैच भी होते हैं टूर्नामेंट वगैरह। इट इज स्लिपरी, ऑलरेडी बच्चे छूटने स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम पिकिंग हर अप फ्रॉम स्कूल, बाकी जो जगह है वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेवलिंग जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। मैं कुछ टाइम से मुंबई जाने के बारे में बात कर रहा था तो वंस अगेन सब एकदम रेडी हो चुका था, बट एंड मोमेंट में पता चला दैट ये ओमिक्रॉन वायरस आया है। जो कोरोना का वेरिएंट आया था 6 GB रैम वाला एंड ये आई थिंक 8 GB रैम वाला हो सकता है। व्हाटएवर इट इज आई एम नॉट ट्रेवलिंग राइट नाउ स्पेशली विद माई फैमिली। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था जब मुझे ट्रेवलिंग पसंद नहीं है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। जब मैं यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे एंड पूरा इंडिया में इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूंगा। तो तब तक के लिए आपको मेरा साथ देना है नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के, बाकी और अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम तो है ही तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी एंड ऑल्सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ओमिक्रॉन की वजह से वापस ही मेरा प्लान कैंसिल हो चुका है मुंबई जाने का। इसके पहले भी एक सेकंड वेव आया था कोरोना का, उस पर भी जाने वाला था, उस टाइम पे भी कैंसिल हो गया था। तो ट्रैवलिंग ना करते हुए भी अभी मैं कुछ वक्त अपने गांव में बिता सकता हूँ। एंड अगर आपको नहीं पता तो आई एम लिविंग इन मुंबई एंड आई रियली विश टू गो बैक मुंबई, आई ग्रोन अप इन मुंबई एंड दिस इज माई विलेज जहाँ पे मैं आया करता हूँ अक्सर साल में या 2 साल में। जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ अभी भी कह रहा हूँ दैट मुंबई भी अपना ही है एंड गुजरात भी अपना ही है, कभी भी आ जा सकते हैं हम। बाकी व्लॉग्स तो कभी बंद होने वाले नहीं है इंशाल्लाह। असल वालेकुम मैंने गैस व्हाट्सएप एवरीवन, माय नेम इज आदम एंड आप सभी लोग का एक न्यू व्लॉग में खुश आमदीद। तो इट इज ब्राइट एंड सनी डे, तो अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत ड्रीमिंग कर लेता हूँ। मुंबई में ना रहने का बेनिफिट ये है कि अभी मुंबई में जॉब्स में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुंबई में उनसे मेरी बात होती रहती है तो मैं उनसे पूछता कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि इट्स नॉट डेट स्टेबल एट ऑल। जब मैं मुंबई में था तब मैंने बहुत ट्राई किया है जॉब्स के लिए, बट आई वॉज अंडर 18 तो मुझे जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। नाउ आई एम अबव 18, अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है मुंबई फिलहाल, तो इंशाल्लाह देखते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब जो का जैसे होगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल के लिए इस डे को कंटिन्यू करता है। तो आई जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम फ्लिपकार्ट डिलीवरी पर्सन, मेरा पार्सल मुझे मिल गया जो कि अब तक के मेरा सबसे महंगा पार्सल है। मेरे पार्सल इसके लिए काफी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि इससे मेरा पूरा व्लॉगिंग सेटअप कम्प्लीट हो जाएगा। आपने मेरे शुरुआत के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा सेटअप कैसा था पहले एंड ऑल्सो मैंने एक वायर्ड हेडफोन को एज अ शॉटगन माइक्रोफोन कैसे बनाया था, जितना मैं बेटर कर सकता था उससे ज़्यादा मैंने बेस्ट किया हूँ। फिर चाहे वो ऑडियो क्वालिटी हो वीडियो क्वालिटी हो
आई गेव माई 200%। एंड अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो उसमें काफी ज्यादा फर्क सुनाई दे रहा होगा, वो फर्क कहाँ से आया मैं आपको उस ब्लॉग में आगे बताऊंगा। यस, रिसेंट जो मैं जिसे मैं 2021 ब्लॉगिंग सेटअप, बट वो जो मैंने पार्सल ऑर्डर किया था उसमें क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट पे से वो चीज किया है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको हिंट मिल चुका होगा जैसे कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में कहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए इस क्विक अनबॉक्सिंग को देख के आओ, देन फिर मैं आपको मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप बताऊंगा जो अभी मुझे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है, एंड आई होप दैट आपको भी पसंद आएगा। तो हियर द अनबॉक्सिंग स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। Yo solamente pienso en ti. Yo solamente pienso en ti. तो यस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोया का BYMM1 2021 शॉटगन माइक्रोफोन खरीद लिया हूँ, एंड इस माइक्रोफोन के प्राइस है ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज। बट मैंने इस माइक्रोफोन को कितने रुपए में खरीदा आपने तो देख ही लिया होगा। तो यस दिस इज द प्रॉपर शॉटगन माइक्रोफोन जैसा मुझे चाहिए था, एंड जब मैंने वो 900 रुपए वाला फेक बोया वाला माइक्रोफोन खरीदा था उसी टाइम पे मैं इस बोया 2021 वाले माइक्रोफोन को खरीदने वाला था। तो जस्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड ये मेरे बजट के बहुत ज्यादा बाहर जा रहा था, इसी रीजन की वजह से मैंने इस माइक्रोफोन को स्किप कर दिया। बट फाइनली जैसे तैसे पैसे जोड़ के मैंने इस माइक्रोफोन को अल्हम्दुलिल्लाह खरीद लिया। तो रिसेंटली मैंने एक ट्राइपॉड खरीदा व्लॉगिंग के लिए, एंड ऑल्सो ये जो माइक्रोफोन है वो सोने पे सुहागा है। तो यस दिस इज अ प्रोफेशनल माइक्रोफोन फॉर व्लॉग्स। सो अभी आपको वीडियो एंड ऑडियो में जो डिफरेंस सुना है एंड दिखाई देगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। अभी बात आती है मेरे सेटअप को लेके। तो मेरा सेटअप अभी कैसा दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पुराने फोन से जिसमें पहले व्लॉग्स बनाया करता था, विच इज दिस फोन Huawei Wi-Fi 2017, यू कैन सी अभी एकदम परफेक्टली एंड फाइन है इसमें, एंड इसमें जमीन आसमान का फर्क है वीडियो क्वालिटी में। डेली यूजेज के लिए फोन बेस्ट है, मैंने उसको आई डोंट नो कितने महीनों बाद ऑन किया हूँ, एंड इसमें मेरी काफी सारी पुरानी मेमोरीज भी है जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो अभी जिस टाइम के आपको मैं पूरा व्लॉगिंग सेटअप दिखाऊँ, दिस इज माई व्लॉगिंग सेटअप 2021। You guys can see, मेरा वो वाला माइक्रोफोन एंड ये जो ट्राइपॉड अभी मैंने खरीदा वो, बाकी यहाँ पे आपको मैं दिख रहा होगा, एंड बाकी अपना Realme 7 Pro अभी मैंने स्विच कर दिया मेरे पुराने फोन के ऊपर। ये क्वालिटी एंड मैं Realme 7 Pro की क्वालिटी की आप समझ चुके होंगे, एंड अपग्रेड करना कितना जरूरी है लाइफ में। तो ये है वीडियो क्वालिटी, एंड अगर मैं माइक्रोफोन को हटा दूं तो मेरी आज कुछ इस तरीके से सुनाई दे रही होगी। यू गाइस कैन हियर अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन इट। ओवरऑल जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है इंक्लूडिंग फोन वो सबका प्राइस मिला के होता है 28,000 रुपीज ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ज्यादा है। एंड ये जो मैंने अपग्रेड किया वो धीरे धीरे करके किया हूँ, ऐसे है कि मैंने पूरे एक साथ में ले लिया। इन सब चीजों को जोड़ने मुझे लिटरली काफी सारे साल लगे, तब जाके मेरा ये सेटअप बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बाकी ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी में आपको डिफरेंस समझ में आ ही रहा होगा कितना है। तो ये था मेरा ओवरऑल व्लॉगिंग सेटअप 2021। इसके बाद आई डोंट थिंक तो मैं कोई मेजर अपडेट करूंगा until I hit 1 lakh subscribers or something. फिलहाल के लिए जो है वो यही है, एंड ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। बाकी आपको ये वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। अगर आपने व्लॉग क्या तक अपने दिलो जान से देख ले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना ताकि आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस या व्लॉग्स को मिस ना कर सको। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो स्नैपचैट ट्विटर पे एंड फेसबुक पे भी ऐड एंड फॉलो कर लो, एज यूजुअल आपको सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस टॉक टिल हियर, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। टिल देन नो गिव अप, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड पीस आउट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाकी इन दिनों में जितनी भी मैंने चीजें खरीदा हूं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली दिस माइक्रोफोन। बाकी के टाइम डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड पीस आउट।